जब जब भी भारत किसी क्षेत्र में परचम लहराता है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को तकलीफ होने लगती है। वैसे तो पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला है नहीं, पर फिर भी वो अपने आप को भारत का कॉम्पिटिटर मानता रहता है। जब हमारे देश की प्रतिष्ठित संस्था इसरो ने चंद्रयान की तैयारी शुरू की थी, तब भी पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी नाकामी को लेकर खूब रोना रोया था। इसलिए कि उसने कम से कम एक अटेम्प्ट तो किया, या मैंने क्या किया, तब्दीली का घास दिखा करके, तब्दीली का चूरन दिखा करके मैंने कौम को फवाद चौधरी दे दिया, वो भी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अब जब हमारे देश के हीरो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो में पूरे विश्व में भारत का झंडा गाड़ा है, तो पाकिस्तानी मीडिया में अपनी खेलों की नाकामी पर जोरदार बहस शुरू हो गई है। पाक मीडिया ने तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का बुरा हाल है। स्पोर्ट्स मैन हमारे वजीर आजम है, कोई एहतसाबी मैकेनिज्म, वो तो एहतसाब की बात करते थे, बिल्कुल ही नहीं है। मतलब ऐसे छोड़ रखा है कि जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं है इस मामले से खेल को। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम पाकिस्तान की उम्मीद थे, और मेंस जेवलिन में वो फाइनल में पहुंच भी गए थे, पर नीरज चोपड़ा ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खैर, पाक मीडिया का तो ये काम ही है, लेकिन भारत से बराबरी आपको क्या लगता है कभी पाकिस्तान कर भी पाएगा? शायद ये कहने की कोशिश कर रही है। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।